सो हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम मासी के नए लैपटॉप लेपर्ड के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए कई लोगों ने लास्ट वीक आंदोलन किया था कमेंट सेक्शन में। सो आज हम उस पे ही कुछ हैलोजन लाइट डालेंगे एंड देखेंगे कि ये मासी का लैपटॉप कितना तेज भागता है एंड इस सेल में क्या आपको इसको अपने घर पे पालने के लिए जगह बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। एंड बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप नए हैं तो मैं बता दूं कि दुनिया के जितने भी छपरी लोग हैं मेरे जैसे, ज्यादातर यही मिलेंगे विद एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हेल्पिंग हैंड्स एंड गुड नॉलेज। सो अगर आपको भी इस छपरी गैंग का हिस्सा बनना है तो 5,000 रुपए ले करके पीछे लाइन में लग जाइए या फिर चोर दरवाजा से एंट्री के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए एंड घंटी जरूर दबाइएगा ताकि हमारा चोर रिप्रेजेंटेटिव आपको पीछे के दरवाजे से एंट्री दिला सके। सो अब जब आपने चोर दरवाजे से एंट्री ले लिया है तो बढ़ते हैं आगे। मासी के नए लैपटॉप लेपर्ड इज अ गेमिंग लैपटॉप विद सम ग्रेट स्पेक्स, बट ऐसा नहीं कि 8-10 घंटे गेमिंग ही चल रहा है। पता चला महीने भर बाद तुमको एंड तुम्हारे लैपटॉप को दोनों को डार्क सर्कल हो गए हैं एंड क्रीम लगाए गमछा ओढ़े बैठे हुए किनारे में। सच में बहुत ही गंदा लगेगा, सो प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। सो स्पेक्स आर लाइक दिस। इंटेल का बड़ा होनहार कमाऊ बेटा 10750H प्रोसेसर, जो कि आज भी वही 14 नैनोमीटर वाली गाड़ी चला रहा है जो कि 5-6 साल पहले उसके ससुराल वालों ने उसे दिया था, जिसमें 6 कोर एंड 12 थ्रेड लगा हुआ है। GPU बड़ा ही धांसू है RTX 2060 6GB GDDR VRAM के साथ, जिसमें आपको रे ट्रेसिंग का भी मजा मिलेगा। एंड मुझे ये भी पता चला है कि इसमें 115 वाट वाला GPU लगा हुआ है, विच इज वेरी पावरफुल। आपको आपकी गेमिंग वाली जिंदगी में वापस लाने में इसका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। सो 2020 के गेम्स तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, बस चलेगा नहीं, ये सिर्फ बहता रहेगा आपके गेमिंग लैपटॉप के अंदर। एंड 2021 का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब इतने पावरफुल GPUs इतने बजट में आ रहे हैं, प्लस इतना ओपन APIs आ चुका है, तो गेम डेवलपर्स अब अपना हाथ खोल करके बिना कॉन्फ़िगरेशन की परवाह किए गेम्स को बनाएंगे आई गेस। सो उससे फ्यूचर का गेमिंग लगेगा तो अकल्पनीय है, बट आपका मशीन सिर्फ कल्पना ही कर पाएगा उसको चलाने का। गेम को चला पाता है या नहीं वो तो गेम आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। एनीवेज, उसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। इसमें और आपको मिलेगा 16GB रैम, अपग्रेडेबल अप टू 32GB या फिर शायद 64GB भी है। 2666 MHz वाला है ये एंड स्टोरेज इज 1TB हार्ड डिस्क ड्राइव एंड 256GB SSD। सो आई गेस एटलीस्ट 1TB का SSD देना चाहिए था, थोड़ा ज्यादा बेहतर होता इस प्राइस के हिसाब से, बट 1TB हार्ड डिस्क ड्राइव भी चलेगा। अगर आप चाहें तो ये हार्ड डिस्क हटा करके इसमें SSD भी लगा सकते हैं। इसमें कॉम्बो पोर्ट दिया गया है। डिस्प्ले 1080p फुल HD 144Hz स्क्रीन एंड अप्रॉक्स 95% sRGB। थिन बेजल्स तीनों साइड हैं, सो गेमिंग टाइम में आपको अलग ही परमानंद की प्राप्ति होगी। नीचे का जो बेजल है वो इतना चौड़ा है कि उसमें लोगो बड़ा बड़ा दिखाई देता है एंड ये हमेशा बताता रहेगा कि भाई जो तुम गेमिंग का मजा ले रहे हो वो MSI के लैपटॉप में ले रहे हो। कूलिंग अपना कूलर बूस्टर 5 विद 7 हीट पाइप्स है, जो कि डेडिकेटेड पाइप्स हैं। सो टोटल 2 फैंस एंड 3 एग्जॉस्ट 2 इनटेक के लिए मिलेंगे आपको बैक साइड में। सो एज यूजुअल इसमें अगर आप लैपटॉप कूलर्स का यूज करते रहें तो आपको काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा, बट स्टिल आई हर्ड कि फैन का नॉइस बहुत ज्यादा है इसमें एंड परफॉर्मेंस मोड में इसका टेम्परेचर अप्रॉक्स 85 या उससे अबव तक भी जा सकता है। फुल साइज पर की RGB कीबोर्ड विद बिगर एरो की साइज। बेस्ट इज कि भाई स्टील सीरीज का कीबोर्ड मिलेगा। पर की RGB देखने से ऐसा लगता है जैसे मिस्टर इंडिया का घड़ी हो, हर रंग मिलेगा इसमें आपको। एंड अगर आप कुछ और मेहनत करोगे ज्यादा तो आप जादू को भी बुला पाओगे इसकी मदद से। ऑडियो हाई रिजोल्यूशन दिया है बट साउंड बहुत कम है। वैसे भी लैपटॉप का साउंड यूज करने वाले कम ही हैं, ज्यादातर हेडफोन ही यूज करते हैं। अब गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो तो हेडफोन तो बनता है, वरना लैपटॉप के साउंड में सामने से गोली चल रहा है, ट्रेन चल रहा है या फिर कोई दौड़ के आ रहा है, मुझे सीरियसली कोई डिफरेंस नहीं समझ में आता है। वेट इज 2.5 kg, सो डेफिनेटली लाइट वेट स्लिम ट्रिम नहीं मिलेगा। सो कॉलेज के लिए लेना है तो एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि भाई इतना वेट उठाने के बाद तुम ब्रॉक लेसनर नहीं बनने वाले हो, बल्कि कॉलेज खत्म होते होते दोनों कंधों के बीच में 2-2 इंच का गड्ढा जरूर बन जाएगा। बिल्ड क्वालिटी इज गुड। लिड एंड कीबोर्ड का ऊपर वाला जो डेक है वो मेटल का बना हुआ है, बाकी नीचे का हिस्सा प्लास्टिक का है। बैटरी 51 वाट आवर का है, सो बहुत ही सूखा हुआ बैटरी दिया है। सो आपको ऑलवेज चार्ज लगा करके ही खेलना पड़ेगा। विदाउट गेमिंग आप नॉर्मल यूज पे साइलेंट मोड पे आप बिना पावर सप्लाई के अप्रॉक्स 4 घंटा शायद चला पाओगे, क्योंकि भाई कॉन्फ़िगरेशन इतना हाई लेवल है, सो बैटरी तो यूज करना ही पड़ता है उसको। नाउ बेस्ट पार्ट की भाई इसमें 2 साल की वारंटी है जो मासी देती है। जाओ बेटा मजे करो, तोड़ो फोड़ो उछालो गिराओ सब हम देख लेंगे, तुम बस गेम खेलो और मजे करो। नेक्स्ट आपको MSI के कुछ पेटेंट सॉफ्टवेयर मिलेंगे लाइक ड्रैगन सेंटर, ट्रू कलर 2, जो कि हर मूड के हिसाब से आप अपने कलर स्कीम को सेट कर सकेंगे। एक्चुअली इट्स नॉट बेस्ड ऑन मूड, बट ये एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है आपका कलर कैसा हो। नेक्स्ट इज नेमिक 3
3 जो कि आपके लैपटॉप के 2 वाट के 2 स्पीकर्स को ऑडियो इनहेंस करके देगा एंड ज्यादा बेहतर 3D सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस देगा। इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है गेमिंग के लिए एंड गिव्स यू अ न्यू इंटरफेस अलग अलग टाइप के आउटपुट्स के लिए लाइक स्पीकर्स, लाइन आउट, हेडफोन्स एक्सेट्रा। वेबकैम भी दिया है भाई इसमें 720x30fps वाला। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट बात, आई हर्ड कि MSI का सर्विस उतना अच्छा नहीं है इंडिया में, मुझे कुछ खास जानकारी नहीं है। सो आप में से अगर कोई MSI का ओनर है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने ज्ञान का हैलोजन डालें। सो दैट्स इट फॉर MSI का लैपटॉप GL65 लेपर्ड के बारे में कुछ प्रशंसनीय बातें। आपको अगर कुछ और प्रशंसा करना है तो कृपया कमेंट सेक्शन में गिरें, वहां हम भी गिरते हैं, साथ में मिलकर के इसकी लेंगे। एंड दिस लैपटॉप इज गुड फॉर गेमिंग एंड कंटेंट क्रिएटर्स बोथ, अगर आप एंट्री लेवल में हो तो, एंड आपका काम बहुत ज्यादा कलर रिलेटेड नहीं है, जहां आपको हर कलर का 1000वां हिस्सा भी यूज करना होता है, तो आपके लिए ये लैपटॉप काफी अच्छा हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। इफ यस, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।